लाने की तैयारी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असेंबली पहुंच गए, इकट्ठा हो गए। कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से भी बात कर सके इसी बारे में। चौधरी परवेज इलाही, वजीर आला पंजाब, इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला। अरकान इकट्ठा हो गए, जमा हो गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान इकट्ठा हुए हैं। मजीद बात होगी समा के नुमाइंदे अब्बास नकवी हमारे साथ है। अब्बास नकवी, बहुत ताज़ा, बहुत बड़ी खबर। जी बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज के खिलाफ जमा करवा दी गई है। और ये तहरीक अदम एतमाद जो है अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है। और अहम बात यह है कि जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली है इनायतुल्लाह लक, उन्होंने ये तहरीक अदम एतमाद जो है वसूल की है और इस पर दस्तखत किए गए हैं नून लीग की अरकान असेंबली की जानिब से, पीपल्स पार्टी की अरकान असेंबली की जानिब से। और ये कहा गया है इसके अंदर कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज जो है वो इस बात खो चुके हैं पंजाब असेंबली के ऐवान का, इसलिए इतमाद का वोट जो है वो दोबारा ले। अब देखना यह है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब से जमा करवाई गई है, अब वो क्या इतमाद का वोट लेने में कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो पंजाब असेंबली की जानिब चली गई है और सेक्रेटरी पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह लक जो है उन्होंने अब से कुछ देर कबल जो है ये तहरीक अदम एतमाद जो है वसूल की है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज के खिलाफ। अगले 36 घंटे अहम हैं, अगले 48 घंटे अहम हैं। अहम तरीन मुलाकातें लाहौर में हो रही थी और उस सब के बाद ही ये सामने आया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। तहरीक अदम एतमाद सेक्रेटरी पंजाब ने वसूल भी कर ली है। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली इनायतुल्लाह ने ये तहरीक अदम एतमाद की जो तहरीक है जो ये सारी की सारी वसूल की है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला इसे जमा करा दिया गया। पंजाब असेंबली की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अरकान इकट्ठा हुए। ये कहा जा रहा था कि इसके ऊपर सोचा जाए, देखा जाए। एक तरफ तो काफ लीग और पीटीआई के अंदर जो फासले हैं वो बढ़ते हुए महसूस हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, विजिबल है बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ ये फैसला कर लिया गया, पीटीएफ जमातों की तरफ से बैठकें भी बहुत थी और अब ये खबर सामने आ गई है, ये फैसला कर लिया गया और इस पर काम भी कर लिया गया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। अब्बास नकवी, अब बताइए ऐवान के अंदर की सिचुएशन, अंदर के नंबर्स क्या हैं, कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी इस बारे में? जी बिल्कुल, जैसा कि मफामत के बादशाह जो है आसिफ अली जरदारी जो है दूसरा रोज लाहौर पहुंचे थे और गर्मा गर्मी सामने आई थी। आज जो है पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ बिलावल हाउस के अंदर पीपल्स पार्टी की, और उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने गो हेड दिया पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी पार्टी को। और उसके बाद जो दीगर चाहती है कि वो आज रात ही तहरीक अदम एतमाद जो है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पंजाब असेंबली में जमा करवाए, जिसके बाद हसन मुर्तजा गवर्नर हाउस पहुंचे थे और वहां जो नून लीग की क्यादत है खलील साहिब सिंधु, ख्वाजा इमरान नजीर और उसके साथ जो दीगर क्यादत है नून लीग की वो वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा गवर्नर पंजाब रहमान भी गवर्नर हाउस में मौजूद थे। वहां से ये तमाम अरकान असेंबली जो है नून लीग के और पीपल्स पार्टी के इकट्ठे हुए और उसके बाद जो है ये पंजाब असेंबली पहुंची और वहां पर इन्होंने तहरीक अदम एतमाद परवेज के खिलाफ आज पंजाब असेंबली में जमा करवा दी है। अब सूरत हाल अगर पंजाब असेंबली में नंबर की बात की जाए तो इस वक्त पंजाब असेंबली का ऐवान जो है 371 का ऐवान है और उसके अंदर जो है नून लीग पीपल्स पार्टी उसकी जो इस्तेमाली है उनके पास इस वक्त जो तादाद वो 180 की है। अभी इसे तहलील भी नहीं कर सकते, जो तादाद है वो 180 की है, जबकि 10 अरकान जो है वो काफ लीग के है जो इस वक्त वजीर आला पंजाब बने हुए हैं परवेज इलाही और वो इस वक्त पीटीआई के साथ है। अब देखना यह है कि परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो आ चुकी है तो इस वक्त हमने अब्बास नकवी इसको थोड़ा सा क्लियर करें। अब चूंकि तहरीक अदम एतमाद आ गई तो फिर अब जो है ना वो पंजाब असेंबली को इस तरह से तहरीक